चलिए, क्लास 10th का मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है। तो हम लोग देख रहे थे कि साइन 35 बटे कॉस 55 डिग्री का मान कैसे एक होता है। तो चलिए हम ऊपर को जैसे 35 को बदल देते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 35 हो जाएगा, यानी कि 55 डिग्री। और नीचे वाले को हम ऐसे नहीं छोड़ दिए, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। थीटा के जगह स्थान पर कितना हो गया हमारा 35, थीटा के स्थान पर सॉरी थीटा के स्थान पर 55 डिग्री, और नीचे है कॉस 55 डिग्री। तो कॉस 55 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा एक, यानी कि इसीलिए हम बोल रहे थे कि इसका आंसर होगा एक। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि AP इक्वल दिया है -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद कौन सा होगा। ऑप्शन दिया है 22 24। चलिए इसको हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए पूरा कि 11वां पद ये दिया है, तो इसमें देखिए ये जो पहला वैल्यू होता है ना, जो पहला वैल्यू वो एक कहलाता है, यानी कि पहला वैल्यू कितना था हमारा -3, तो ये हमारा ए का वैल्यू हो गया। ठीक है, और डी का मान निकालना पड़ता है, यानी कि सर्वांतर, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी T2 माइनस T1 निकाल देंगे हम तो डी निकल जाएगा, यानी कि डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद, यानी कि दूसरा पद क्या है -1/2, अब माइनस कर लेंगे क्या, ये पहला वाला तो ये भी माइनस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 3। अब इसका हम बटाई करके बिन का जोड़ घटाव कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, लघुत्तम कितना होगा 2, तो यहाँ पे देखिए 1 होगा और प्लस 2 3 6, यानी कि कितना आ रहा है हमारा ऊपर 6 1 7, 7/2, यानी कि डी का मान कितना हो गया 7/2 और ए का मान कितना हो गया -3। तो इसको चलिए हम सोल्व करके देख लेते हैं, 11वां पद पूछा गया है ना, तो 11वां पद कैसे आएगा, तो 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद बराबर हम निकाल सकते हैं ए प्लस 10 डी, यानी कि 11 को बोल रहा है तो एक कम कर लेते हैं हम लोग, तो ए का मान कितना था -3 और प्लस 10, और डी का मान कितना आया था 7/2, काटिए 2 5 10, -3 प्लस 7 5 35, 35 में से -3 घटेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 32, तो इसका आंसर होगा 32। चलिए हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर कितना 32 दिया है कि नहीं, इसका आंसर 32, सॉरी देखिए इसमें हम गड़बड़ एक जगह कर दिए थे, कहाँ गड़बड़ किए थे, यहाँ पे हमारा माइनस था, ये माइनस छूट रहा था, तो यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए था, तो यानी माइनस प्लस घटना चाहिए, यानी कि 6 में से 1 गया, यानी कितना होता है यहाँ पे 5/2 होता। ठीक है, यानी कि डी का मान 5/2 भरना हमें चाहिए। चलिए हम लोग डी का मान 5/2 भरते हैं, यानी कि यहाँ 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 5 10, यानी कर दिया 5 5 कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे क्या है -3 और बीच में प्लस है, यानी कि प्लस माइनस घटेगा, यानी 25 में 3 घटेगा कितना होगा 22, तो इसका आंसर होगा 22, तो इसका आंसर होगा 22, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुपद 4x² -4x+1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है α×β=C/A, तो α×β/C/A। तो यहाँ पे देखिए ये जो x² में सटा रहता है ये होता है, यहाँ पे जो x में सटा रहता है वो b होता है, और लास्ट में जो बचा रहा है वो c होता है कांस्टेंट, तो यानी C/A बोल रहा है, तो यानी कि C/A, यानी c का मान 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और a का मान कितना हो जाएगा 4, यानी 1/4, देखिए कहाँ है ये आपका आंसर हो गया b। नेक्स्ट प्रश्न है, AP का पहला पद a और सर्वांतर पद d हो तो n वां पद का योग होगा। अगर n वां पद पूछता तो इसका तो फॉर्मूला हो जाता है a+(n-1)(dn) बराबर, लेकिन यहाँ पे पदों का योग पूछ रहा है, तो पदों का योग हो जाता है sn बराबर, एक फॉर्मूला होता है पदों का योग बराबर n/2 प्लस 2a+(n-1)(d) यानी इसका आंसर होगा d, ये तो होगा नहीं, ये होगा, यानी इसका आंसर होगा d। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को का आंसर जानते हैं, 1/√3 बराबर होता है तो साइन 30 टैन 60 टैन साइन 60, तो
चलिए ये जो होता है 1/√3, ये टैन 30 डिग्री का ही मान होता है, ठीक है, आप सारणी मान याद कर सकते हैं। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो पहला ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर, 3π r² 1/2π r² पाई आर स्क्वायर। तो इसमें अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सूत्र पाई, 3π r², इसके लिए आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। अगला है यदि √2 cos θ बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा? पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करके पता कर लेते हैं, या डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं। एक यहाँ पे √2 सेटल है तो बटा में चला जाएगा, यानी cos थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 1/√2। तो आपको पता होगा कि ये cos कितना का मान 1/√2 होता है, तो इसका आंसर होगा 45, यानी कि cos 45 का ही ना मान, cos 45 का ही मान लो, cos में देखिएगा कि cos 45 का ही मान 1/√2 होता है, ठीक है, इसका आंसर होगा 45 डिग्री, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण f(x)√(x²-3x+5) के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान होगा? तो दोस्तों देखिए, यदि आपका अल्फा बीटा इसका बहुपद का आपका शून्य मूल बोले बताए, तो इसका अगर मान पूछे कि 1/α + 1/β का मान हो, तो इसका मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से आप तुरंत आंसर बता सकते हैं। तो इसका छोटा सा ट्रिक हो जाएगा इसका छोटा सा ट्रिक हो जाएगा -b/c, यही ट्रिक है, इस ट्रिक को लागू कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर इसका मिल जाएगा -b/c। तो देखिए इसमें b कौन सा होगा, इसमें मैं थोड़ा इसके पहले बताया था कि इसमें x में जो सेटल रहता है वो b होता है, तो यहाँ सूत्र में माइनस बोला है, तो ये माइनस ये भी माइनस वो भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बी का मान कितना हो जाएगा 3, और बटा में सी यानी 3/5, देख लीजिए इसका, यानी कि -b है ना, तो माइनस वो भी था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 3, और सी का मान कितना था 5, यानी 3/5, आंसर देखिए यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का भी विवेक्तर d होगा? तो जब भी ऐसा प्रश्न कह दे कि मूल बराबर हो तो उसका d का मान, विविक्तर का मान जब भी निकालिएगा तो उसका क्या हो जाता है, शून्य होता है, ये फॉर्मूला होता है, जब भी मूल बराबर कहे तो उसका d का मान कितना होता है, 0 हो जाता है, और जब भी आपका 0 मूल बराबर कहेगा तो इसका d का आंसर कितना हो जाएगा, विविक्तर 0 हो जाएगा, यही यही इसका सूत्र है, आपको याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 के में कोटि का मान, तो कोटि का मान जो होता है, एक्स का जो मान होता है आपका भुज कहलाता है, वाई का जो मान होता है कोटि कहलाता है, तो जो बाद वाला मान होता है वही कोटि हो जाता है, यानी कि आपका आंसर होगा -4, ये कोटि हो जाएगा, यानी -4 का है पहला ऑप्शन आंसर, यानी कि ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी घनाभ की लंबाई एल और चौड़ाई बी तथा ऊंचाई एच हो तो घनाभ का आयतन होगा? तो घनाभ का आयतन होता है l×b×h, यही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला ही आंसर घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बोला है 90 डिग्री और A बोला है 40 डिग्री, तो C कितना होगा? तो आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण B प्लस कोण P A प्लस B प्लस C इजकल टू 180। तो आपको पता होगा तो A का मान दिया है 40 और B का मान दिया है, देखिए कोण A का मान 40, B का मान 90 और C का मान दिया है, इसी का मान निकालना है, तो 180 यानी कि 90 और 40 से 130 प्लस सी हो गया बराबर 180, तो सी का मान निकालना है 130 ले जाकर घटा देंगे, 180-50 180-130 यानी कि आंसर हो जाएगा 50, यानी कि इसका सही उत्तर होगा 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों यदि आपको यह मैथ्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसको अधिक से अधिक फैलाएं और कमेंट करें, तो इस तरह से अगर करेंगे तो हमारा हौसला और आगे बढ़ेगा, तो मैं और आगे वीडियो बना के आपको यूट्यूब पर बताऊंगा कि कैसे हम लोग मैथ का आसानी तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके लिए थैंक्स वेरी